अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। सबसे पहले हम अगरचे हम ये कहते हैं बार बार कि ये ईसवी साल है, मुसलमानों को हिजरी साल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो क्योंकि तमाम दुनिया में मरवज है, राइज है, तो हम सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये साल जो 2023 का साल होगा वो 2022 से बेहतर होगा। अगरचे इसके अंदर दो सूरज ग्रहण हैं, दो चाँद ग्रहण हैं, जो आफत का एक कैफियत होती है, तो बहरहाल वो एक अलग बहस है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन हम सबसे बड़ी बात जो है, हमारे मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों के घर मसमार हो रहे हैं, जो बीजेपी की हुकूमत ने नया काम किया है, अनंतनाग में जो है बुलडोज़र दंदनाते फिर रहे हैं, और 2022 में कश्मीरियों के लिए बहुत सख्त रहा कि 214 शहादतें हुई हैं, गुज़िश्ता 35 साल में 96,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी है, मगर आलमी बरादरी खामोश है। अगर हमारा ये ख्याल था कि 2022 हमारा आज़ादी का साल होगा, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो चाइना डेवलपमेंट कर रहा था, तो हमें मौका मिल जाएगा शायद एक दफ़ा फिर 1962 की तरह से कि हम शायद वो अंदर घुस जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि हम अपने अंदरूनी मामलों में फंसे रहे।